देखिए ये जो टॉपिक था जो अभी बनाए हैं। सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का लुक कुछ अलग ही, रीजन ये है कि जैसे आप देख पा रहे हो यार हमारे मुमताज मास्टर टोपी कटिंग कर रहे हैं। सो प्लीज लोग आपको देने के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेके आए थे जो कि टोपी बना रहे हैं, जो कि बहुत ही नेक काम कर रहे हैं एंड उसी में सिंपल है जो कि मैं पहना हुआ हूँ एंड मेरे को भी दिया मास्टर जी। जो तो सिंपल दो तीन लाए हो दिखाए फिर आपको बोले हाँ ये अच्छा टोपी है तो इसमें से कुछ मेरे को बना के दिखाओ माता जी साहब ना। तो वही बना के दे रहे हैं माता जी, कटिंग कर रहे हैं और देखिए है। किनका टोपी है? पीर भाई का। तो बोले उनका माता जी पीर भाई का टोपी है तो बोले तो सीने के लिए शोक भाई मार्किंग वगैरह कर रहा है। ये अस्तर में जाएगा ना मास्टर जी? ये अस्तर में जाएंगे, अस्तर में जाएगा और इसका मेन जो है ये रहा, मेन जो रहेगा ये कपड़ा जैसे कि आप देख पा रही है जिसके ऊपर देखिए ये अस्तर हो गया, ये वाला अस्तर हो गया एंड ये मेन हो गया, ये सब मेन है। तो वही अस्तर काट रहे हैं इसके कबूतरी पर भेज दीजिए। ऐसे फिर भी पहले चिपकाने पर नहीं मास्टर जी, फिर भी मिलती नहीं रहेगा, चपेगा नहीं, ऐसा ही है ना, बंद कर तैयार हो जाएगा बिना फ्यूजिंग के। ये देखिए ये फ्यूजन का पेपर फॉर्म जो उसको बोलते हैं, ये चिपकने वाला है। तो इसको इसमें डालेंगे ना मुर्ती भाई, प्रेस होगा ना उसके बाद अपने आप चिपक जाएगा ये। इसको इसको डाल के सिलाई करना है एंड इसके बाद जब टोपी रेडी हो जाए उसके बाद प्रेस करेंगे ना ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, इसलिए चिपकने वाला है। सो टोपी में रेडी लगता है जब पूरा तैयार होगा ना, एक अपने आप प्रेस जब लगेगा अपने आप तैयार हो जाएगा, जब तक सारी कच्चे सीएंगे उसके बाद है ना प्रेस जहाँ होगा वो अपने आप बैठ जाएगा। जैसा शर्ट बनाते हैं ना, शर्ट में पेपर फॉर्म लगता है ना, कॉलर में कप में वैसा ही सेम निकल गया। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसको कपड़ा में सर काट के हटा देना है, आपको लंबा कोई काम नहीं, साइड में डाल दिए पेपर फॉर्म कैसे लगा रहे थोड़ा बता दो कैसे होते हैं। सो फर्स्ट टाइम है ना कभी टोपी वगैरह नहीं सीखे, मास्टर जी को मालूम है कैसे बनता है टोपी, बनाए हुए इससे पहले भी सब बता रहे तो कौन अस्तर तो छोटा छोटा है। दो अस्तर जोड़े उसमें दो दो अस्तर। सो आप लोगों को बैक में करके दिखाते हो, सो ज्यादा समझ में आएगा बैक में करके। मुंबई साइड में सो मुझे सर का देखा जाएगा आवश्यकता है, जैसे आप लोग पता होगा देखते हो तो यहाँ गौर करके जरूरत पड़ेगा ही। सो अगर आपके संपर्क में है वर्कर तो मेरे डिस्प्ले पर देगा नंबर कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है, या दूसरे को जो है तो उनके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तो बैक कैमरा से आप लोग दिखाते हैं फिर दोनों तरफ से कच्चा कर लिए, उसके बाद बीच में पेपर फॉर्म पूरा सीख लिया लव का सिलाई लगा है ना, ये लव का सिलाई है।
स्मॉल साइज, सो मटेरियल सर पे नहीं आ रहा है, ये मेरे सर पे आएगा, बैठा है मेरे सर पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे हो चुका है, इसके सिर्फ मुंह बनेंगे ना, इसको कैसा भी मुंह कैसे बनेंगे, तैयार कैसे, वो भी फाइनल हो गया। बस इसका ये जो है ना, ये जो बांधे है ना, ये सिर्फ बांधे नहीं है बस, बाकी वो भी पूरी तरह से तैयार हो गया। ये जो टोपी था जो ये बनाया है, ये पूरी तरह से ये रेडी है, सिर्फ इसका जो है ना, इसको ऐसा सिलाई मारेंगे, इसको ऐसा सिलाई मार देंगे, या तो फिर इसको ऐसा बांध दीजिए, ऐसा करके पहन लीजिए, बांध दीजिए और इसको पलट दीजिए, ऐसा हो गया, इसको ऐसा बंधा रहेगा अंदर में, ऐसा अच्छे से बांधना पड़ता है। सो मैं एक हाथ से बढ़ रहा हूँ, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देखा, आज मैंने दिखाया आप लोगों को टोपी कैसे बनाया जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करें लाइक, एंड आप हमारे चैनल पर नए चैनल के लिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। एंड एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग दे, जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि अपना फैक्ट्री है, सो यहाँ कुछ वर्कर हो जो पढ़ते रहता है, सो अगर आपके संपर्क में है कोई वर्कर जो शर्ट बनाता हो, सो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। एंड यदि आप वर्कर हो, शर्ट बनाते हो, शर्ट कारीगर हो, सो डिस्प्ले में देकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, एंड आप भी अपना काम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सोच लिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।